क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो कांग्रेस का लग रहा है। है? कांग्रेस का लग रहा है। राम स्वरूप जी क्या लग रहा है? साहब अब तो ये है कि जो तो जनता के ऊपर है, जो भी आ जाए अपने हाथ में कुछ नहीं है। जनता का मूड है, जनता कभी ये नहीं कह सकती कि क्या आना क्या जाना है। कांग्रेस ही आई कौन किधर को लग जाए। कांग्रेस ही आना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। अच्छा, सबको मौका मिलना चाहिए इसलिए कांग्रेस आना चाहिए जी। सबको मौका मिलना चाहिए इसलिए कांग्रेस आना चाहिए। पाजी ये एमपी में खास तौर से भिंड मुरैना चंबल का जो ये इलाका है जिसमें मैं घूम रहा हूँ, उसमें आपको बातचीत का जो सिलसिला है उसी से जोड़ रहा हूँ, वही बता रहा हूँ जो जो लोग आप लोग कह रहे हैं। और ये जगह कौन सी हो गई, ये कौन सा मॉल है? डीबी मॉल उसके सामने की बात है ये। हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी वो आना भी चाहिए था बीजेपी को। कांग्रेस वाले क्या करेंगे उसमें? क्या करेंगे कांग्रेस वाले? चुनाव नजदीक है क्या? बड़ा कांटे का है क्या? हाँ जी, चुनाव कांटे का है। कांटे का है, कांग्रेस में ऐसा कोई दमदार व्यक्ति नहीं है जो देश को चला सके। और बीजेपी में? बीजेपी में तो मोदी है। बीजेपी में मोदी है दमदार आदमी? बीजेपी आई साहब। हैं? बीजेपी आई। देश का ऑल वर्ल्ड में नाम हो रहा है। देश का ऑल वर्ल्ड में नाम हो रहा है। देश का ऑल वर्ल्ड में नाम हो रहा है इसलिए मोदी जाया हुआ है। मोदी जाया हुआ है। मोदी चाहिए हमें तो। हैं? अच्छा, ये डायरेक्ट कनेक्शन है आपसे? कनेक्शन मेरे से? सुनाई बढ़ रहा है? बिल्कुल सुनाई दे रहा है। बताओ फिर। बीजेपी है। कैसे? जो तो कह रहे चेंज। बीजेपी में ने जो काम किया है वो कांग्रेस ने अभी तक काम नहीं किया। दिग्विजय सिंह बैनगा नौकरी खा गया। रोडवेज खा गया, सारी डिपार्टमेंट खा गया। अब क्या करेगा? अब क्या देश को खाएगा क्या? उसने किया क्या है? अपना राधोगढ़ चमका लिया तो क्या हो गया? एमपी में आके देखे तो सरी क्या हालत है राज में? क्या सड़कें बन गई? सड़कें कितनी बनी है बीजेपी की राज में? क्या बीजेपी के राज में क्या क्या नहीं हुआ? कांग्रेस ने क्या कर दिया? कह रहे कांग्रेस ने क्या कर दिया? मुझे कुछ नहीं मालूम। सब क्या करा उसने? किसने? गाड़ी चला रहा हूँ। गाड़ी चला रहे हैं? और जो देश की गाड़ी चला रहे हैं वो तो आप ही के भरोसे चला रहे हैं। अभी को तो बताना पड़ेगा। बताना यार, पुराने इंसान, अब हम तो नए इंसान, हम क्या जाने। हम जानते ही नहीं है इसमें। क्या नाम? राकेश धवल। राकेश धवल नाम है जी सर। हमें कोई मिला था बता रहा था। मिला था बता। कौन से इलाके के रहने वाले? अपन मेलगांव के बगल रहे तो। हाँ, स्टेडियम के पास में। क्या काम करते हैं? ऑटो चलाते हैं सर। इस बार क्या ऑटो सवारी क्या बात करती है? पैसे कम देती है, वही टमटम का गाना गाती है। क्या गाती है? टमटम में बैठेंगे ये रिक्शा में। हाँ, हाँ, और क्या, ऑटो वाले तप रहे हैं देख लो। तो इस बार क्या लग रहा है? अब क्या लग रहा है, कुछ बदलाव होने चाहिए और क्या। सवाल पे सवाल है बाजी। और बेटा क्या नाम तुम्हारा? संदीप बघेल। संदीप बघेल जी कहाँ जा रहे हैं? भिंड जा रहे हो? भिंड में क्या करते हो? पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सी चीज की? कंपटीशन लेवल की कर रहे हैं। शाबाश बेटा, डिफेंस की करो। पाजी इस इलाके से बहुत सारे लोग आर्मी के पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी जाते हैं। मैंने कहा था जैसे इस इलाके के बहुत सारे लोग सरकारी नौकरियों के लिए और बाहर मुंबई दिल्ली कलकत्ता काम के लिए जाते हैं, बड़े शहरों के लिए जाते हैं, रुक करते हैं। क्या लग रहा है इस बार गांव में? क्या कौन सा गांव है तुम्हारा? कदौरा भिंड सर, अटेर क्षेत्र में कदौरा। कदौरा, क्या लगता है गांव में क्या बात हो रही है इस बार? चर्चा किस बात की है खास तौर से? कौन सा मुद्दा सबसे ऊपर है? कांग्रेस है सर। कांग्रेस आएगी अटेर क्षेत्र में? कांग्रेस है। बीजेपी सरकार ने आर्मी भर्ती खाली, डिफेंस पूरी खाली, कांग्रेस ही है। बदलाव होना। क्या कहते हैं बाबूजी आप? बीजेपी 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 युवाओं का कहना तो कांग्रेस है। अब कांग्रेस आएगी, बदलाव होगा। है? जिसने देश को आगे बढ़ाया वही आएगा। बीजेपी वही आएगी, आना चाहिए।
भाजी मैं बताता चल रहा हूँ, ये चंबल का इलाका, भिंड का इलाका, और इस इलाके में मैं मौजूद हूँ ग्वालियर में। आओ आगे बढ़ाओ, ठीक है ना बाबूजी? आप देखो इधर, पाठक जी की ये फैमिली रेस्टोरेंट। पाजी इस इलाके में खाने पीने के इसमें कचौड़ी बड़ी मशहूर है, बड़ई बड़ई सब्जी के साथ। नमस्ते। अरे नाश्ता नहीं रखा जाता बेटा, कभी नहीं रखा जाता सर, ज्यादा कभी नहीं। कभी न्यूज़ 18 आपको देखता हूँ, अली वगैरह प्रोग्राम। एक फोटो चाहिए आपके साथ। हाँ तो फोटो लो भाई, कोई बताऊँ तुमसे थोड़ी ना कहेंगे फोटो लेने का मना ही है। एक नंबर का नाश्ता है, एक नंबर का नाश्ता पाठक जी का। हाँ पाठक जी का खाओ। सवेरे सवेरे तुमने जो दो नंबर का कर लिया ना काम, सवेरे ही सवेरे दो नंबर का काम किया, गलत है। नमस्ते। नमस्ते, वेलकम ग्वालियर में आपका। हाँ हाँ, क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ और मैं अभी टीचिंग भी कर रही हूँ। टीचिंग भी कर रही, बहुत अच्छी बात है। तो आपको देखते हुए आई, गाड़ी फॉलो करते हुए। अरे इतनी दूर से? और टीवी में भी देखती हूँ आपको। तो ग्वालियर की रहने वाली है? हाँ जी ग्वालियर। क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी, ग्वालियर में तो ऐसा है चुनाव का कि थोड़ा आगे आइए। हाँ हाँ, मतलब तो यहाँ ग्वालियर इग्नोर भी हुआ है, तो सिंधिया जी आ जाए तो अच्छा रहे। सिंधिया जी आ जाए तो अच्छा रहे। जो क्लोज कॉन्टेस्ट है बीजेपी और कांग्रेस का, ये खत्म हो जाए और बीजेपी एकदम मतलब क्लियरली आए यहाँ पे, कोई भी ऐसा। क्या बात है सब भैया जी, क्या बात है। अरे देखो गाड़ी उधर आ रहे हैं जी। क्लोज कॉन्टेस्ट है? हाँ क्लोज कॉन्टेस्ट तो है, मतलब अभी कुछ कह नहीं सकते बीजेपी या कांग्रेस। हाँ। पर हाँ सिंधिया जी को तो यहाँ पे सभी प्रेफर करते हैं। सिंधिया जी को प्रेफर करते हैं। हाँ। मतलब ग्वालियर में, और ग्वालियर इग्नोर भी हुआ है कि कोई विकास कहीं ले जाता है, कोई कहीं ले जाता है। छिंदवाड़ा वाले छिंदवाड़ा ले जाते हैं और ये अपने शिवराज जी वहाँ ले जाते हैं। ग्वालियर इग्नोर ही हुआ है, तो अगर वो आएंगे तो ग्वालियर और ये भिंड एरिया ये सब, इन सब का एक चौक हमेशा। जी अगर पूरे मध्य प्रदेश में जिस इलाके की सबसे ज़्यादा बात होती है, चर्चा होती है विकास के लिए, वो यही इलाका है। वैसे कई कारणों से देश में ये चर्चा में रहा है ये इलाका, चंबल का इलाका, लेकिन सच ये है कि यहाँ के लोग डिजर्व करते हैं अब उस पूरी वाली संपूर्ण विकास धारा से जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट शिवानी, गॉड ब्लेस यू। जी बाजी आइए, बड़े ध्यान से देख रहे हो। आओ अरे सब ठीक, कहाँ ऑटो? ऑटो चला रहे हैं। हाँ जी ऑटो चला रहे हैं। ऑटो चला रहे हैं? हाँ सर। तो ऑटो तो खड़ा कर दिया आपने? आपको देख के खड़ा कर दिया सर, आपका तो हम मोबाइल पे देखते हैं प्रोग्राम। हाँ सब जगह देखते हैं। हाँ ऑटो, हमने आपको देखा तो खड़े हो गए। हाँ आपको देखा तो खड़े हो गए। अच्छा मध्य प्रदेश में तो सर कांग्रेस की लहर है अच्छी, इधर तो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस की लहर है। बीजेपी महंगाई बहुत, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, हर चीज जनता परेशान है, रोजगार तो है ही नहीं एमपी में, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है सबसे ज्यादा। क्या नाम हो गया आपका? विजय सिंह। विजय सिंह जी, बेरोजगारी वाला मसला है? बेरोजगारी वाला सबसे ज्यादा मसला, और महंगाई दो चीजें सबसे ज्यादा है। वो तो राशन कहाँ उन्होंने सबको दिया इस बार? इससे कुछ नहीं होगा, 5 किलो राशन से होना कुछ नहीं है भाई साहब। जनता बहुत परेशान है, हर तरह से परेशान है, महंगाई इतनी हो गई, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है एमपी में। तो हम तो आपका प्रोग्राम सुनते हैं, सब चीज हमने आपको देखा तो हम रुक गए। क्या बात है सिंह साहब, थैंक यू सो मच। चलो सिंह साहब हाँ